पूर्णिया नगर निगम चुनाव को भले ही 5 दिन शेष रह गए हों, किंतु चुनाव प्रचार के लिए अब महज प्रत्याशियों के हाथ में 3 ही दिन बचे हैं और कम समय को देखते हुए महापौर उपमहापौर से लेकर पार्षद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 26 के निवर्तमान पार्षद प्रत्याशी रिंकू देवी ने नेवालाल चौक बसंत विहार में पद यात्रा कर जनसंपर्क अभियान चलाई। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर उन्होंने जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया। मौके पर प्रत्याशी रिंकू देवी का कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने वार्ड नंबर 26 में काफी विकास किया है। वार्ड क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले में उन्होंने महत्वपूर्ण सड़कों को बनवाया है और कई सड़कें अनुशंसित भी की गई है। रिंकू देवी ने इस दरमियान बताया कि वार्ड नंबर 26 में जो भी विकास कार्य शेष रह गया है, इस बार चुनाव जीतकर उसे पूरा करेंगी। हम पूर्व पार्षद रिंकू देवी और सभी का समर्थन रहा तो हम आगे और विकास करेंगे और उसके लिए हम जो गलती चलती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इस बार जनसंपर्क अभियान में कैसा आपको माहौल लग रहा है? समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी जी। क्या ऐसे कुछ काम आपके रह गए थे जो इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? जी जरूर करेंगे पूरा। जो छोटा बड़ा काम है, जो एक मौका और पब्लिक लोगों को दे, हम आगे बढ़कर हम इस काम को पूरा जरूर करेंगे। हम लगातार सारा तरफ जिधर भी जिस मोहल्ले जा रहे हैं सारे तरफ चल रहा है जनसंपर्क की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हर घर हर मोहल्ला यही हो रहा है कि इस बार फिर से एक बार रिंकू देवी का मौका दिया जाए। ठीक है, लोगों का समर्थन किस तरह का मिल रहा है? लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है, वो आप भी देख सकते हैं चारों तरफ। जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगा प्रत्याशी का? जीत के आने के बाद जो मेरा कार्य छूटा हुआ है उस कार्य को पूरा करेंगे। जैसे मेरा कुछ बहुत सा गली अभी बचा हुआ है जो कोरोना काल में हम नहीं कर पाए थे। कोरोना के काल में जो हमारा कार्य छूट गया था, बहुत ऐसा गली है जो कि बच गया रोड बनाना, PCC वो सब करवाएंगे। नाला का परेशानी है उसका नाला को करेंगे। वृद्धा पेंशन का परेशानी है वो सबको हल करेंगे। जो भी छूटल कार्य है वो सबको सारा को जीतने के बाद हम पूरा करेंगे। छाप और चुनाव कार्ड गाड़ी छाप है क्रमांक संख्या 6। रिंकू देवी ने वर्तमान वार्ड पार्षद हुई मेरी भाभी। वार्डवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? एक बार फिर से मौका दिया जाए, जो भी कार्य छोटा बड़ा है उसको पूरा पूर्ण विश्वास के साथ उनको पूरा किया जाएगा।